आपकी फेवरेट टीम इस वक्त इंडिया है? अब फिर कह सकते हैं। तो विक्रांत गुप्ता वो मैदान में आ गए, उन्होंने उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक किंग है और किंग को ऐसे तनकीद नहीं करने चाहिए, यही बंदा है जो पाकिस्तान की टीम को नंबर वन ओडीआई में लेके आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं अगर बात की जाए तो वो तनकीद करते हैं दूसरे क्रिकेटर पर, लेकिन उनकी बड़ी खुशी हुई है कि वो हमारे बाबर आजम को क्या कहते हैं उसको वो दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल हर बंदा जो है बाबर आजम पर तनकीद कर रहा है, क्या वजह? करने तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। वर्ल्ड कप जब आपके घर में ले आएगा आप खुश हो जाओगे, अगर एशिया कप जीत जाए फिर तनकीद करनी थी किसी ने, किसी ने करनी। हारे को हमेशा इज्जत करते हैं, कोई बात नहीं। भारत को वर्ल्ड कप में बाबर आजम टफ टाइम दे सकता है? हो सकता है, मेहनत करे, अभी से मेहनत करना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो वो टकराव खेल सकता है। जहाँ पर वो हमारे उसको क्या कहते हैं श्रीलंका को उन्होंने बच्चा समझा, तो इन दिनों में श्रीलंका ने उनको यानी कि छक्के लगा दिए उसके हमारे पाकिस्तान। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज हो रही है आप समझते हैं कौन सी टीम जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या कि इंडिया? यार इंडिया, मैं इंडिया तो मैंने आपको पहले सवाल भी कहता था कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? कासिम मुनीर। कासिम मुनीर भाई क्रिकेट देखते हैं? बहुत शौक से। अच्छा, इंडिया की जो सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने स्कोर का ऐलान कर दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी वर्ल्ड कप के लिए भी स्कोर का ऐलान नहीं कर सका। हो जाएगा यार एक दो दिन में। कौन से प्लेयर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जो है अपनी टीम में इंटर करने चाहिए? शदाब की जगह माद वसीम, और क्योंकि नसीम शाह यार बड़ा दुख है तो मोहम्मद आमिर चाहेंगे। मोहम्मद आमिर को टीम में वापस आना चाहिए? आना चाहिए ना। क्या वजह ऐसी खास? यार एक तो उसको बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का आइडिया है, तजर्बा है, और इंडिया की इंडिया में वो खेला भी है तो बेहतर होगा कि उनको ले आए। बहरहाल देखते हैं क्या बनते हैं। अच्छा, इंडिया की टीम की बात करें तो उन्होंने जो है अपना कप्तान और वाइस कप्तान चेंज कर लिया, स्ट्रेटजी चेंज की ना उन्होंने, ताकि मुख्तलिफ कप्तानों के हिसाब से प्लेयर्स को मेंटली तौर पे पता चले कि किस सिचुएशन में कैसा खेलना है। अच्छा, वर्ल्ड कप के बाद जो है रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्या भारत जो है वो नए कप्तान की तलाश में तो नहीं है? कप्तान उनको मिल चुके हैं यार, कितने होले, 5-6 कप्तान तो उन्होंने पैदा कर दिए हैं। कौन कौन से? केएल राहुल है, पांड्या है, बुमराह है, अश्विन है, विराट कोहली है, और क्या चाहिए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि भारत चाह रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद हम कौन सा ऐसा बंदा लेके आए जिसको कप्तान बना सकते? क्या केएल राहुल को भी आजमाया जा रहा है? हाँ आजमाया जा रहा है, मेरे ख्याल में यार जो बेस्ट ऑप्शन बनते हैं वो बुमराह बनते हैं, क्योंकि विराट पर वो बोझ नहीं इतना डालेंगे। अच्छा, बात करें मोहम्मद सिराज की तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, एशिया कप के फाइनल में 6 आउट किए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने आउट कर सकते हैं वो? यार उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने क्योंकि वो ज्यादा इंडियंस होते हैं वो पिचेज है ना, वो दूसरी हैं क्या बैटिंग पिचेज हैं, तो इतने तो नहीं लेंगे, लेकिन दो तीन तो करेंगे ना यार, इतने एपिक बॉलर हैं और इतने ट्रेंडिंग में। कौन सी टीम जो इस वक्त फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया या कि इंडिया? इंडिया, क्योंकि रिसेंट जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा आ रही है, तो रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है इंडिया की। क्या आप समझते नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस बैट्समैन ना होने की वजह से इंडिया की बैटिंग को जो है मुश्किलात का सामना हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के सामने? यार इतनी बड़ी लंबी बैटिंग और क्या चाहिए, उनके 9वें नंबर तक खेलती है पब्लिक, कोई टेंशन की बात नहीं। यानी कि आपकी फेवरेट टीम इस वक्त, मतलब टीम, आपकी फेवरेट टीम इस वक्त इंडिया है? अब फिर कह सकते हैं इन दोनों में से। वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को यार हमेशा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं छोड़ सकते ना दिल से, तो उन्हीं को। अच्छा, पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वर्ल्ड कप का, क्या समझते हैं कि बहुत इस वक्त जो है जानदार होने जा रहा है? भाई कब पाकिस्तान और इंडिया का, अगर आप एक एक बंदे का भी करवाएंगे तो जानदार है, क्योंकि ये नाम ही बहुत बड़ा है। पाकिस्तान जो है इंडिया में खेलने जा रहा है? हाँ जाएगा ना। तो क्या क्या समझते हैं कि हर तरफ जो है इंडियन ऑडियंस होगी, पाकिस्तान के लोगों को शायद वहाँ जाने का मौका ना मिले, तो पाकिस्तानी बैट्समैन पर और पाकिस्तान टीम पर क्या आप समझते हैं प्रेशर होगा वहाँ पर जाकर? तो यार हमने मेजर खेला ही बाहर है तो प्रेशर किस बात का, हमने घर में सीरीज खेली की इतनी बाहर खेली देखी जाएगी। आप बाबर आजम की कप्तानी के हक में है या क्या आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम की जगह कोई और कैप्टन होना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा हक में हूँ, वो नहीं तो कौन। आजकल हर बंदा जो है बाबर आजम पर तनकीद कर रहा है, क्या वजह? करने तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। वर्ल्ड कप जब आपके घर में ले आएगा आप खुश हो जाओगे, अगर एशिया कप जीत जाए फिर तनकीद करनी थी किसी ने, किसी ने करनी। हारे को हमेशा इज्जत करते हैं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक रिजवान। अच्छा मलिक रिजवान साहब, क्रिकेट देखते हैं आप? जी जी बहुत देखता हूँ क्रिकेट में, बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। आगे सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, तो उस सीरीज में जो है भारतीय टीम ने जो है चेंजिंग की है, रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले 2 वनडे मैच नहीं खिलाए उन्होंने, तो विक्रांत गुप्ता है जो उनका जो है इंटरव्यू आया, उन्होंने बताया कि ये भारत की टीम ने बहुत अच्छा किया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यार मैं बेसिकली तो यही कहूँगा कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसका हर बंदा अपना अपना क्रिकेटर है। विराट कोहली को निकाल के उन्होंने मेरे ख्याल है बहुत गलती की है, बिकॉज वो कैप्टन था,
तो ऐसा उनको बिल्कुल कैप्टन रोहित शर्मा कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली से जो है कप्तानी वापस ले ली गई है, अब रोहित शर्मा के पास है। वो कैप्टन थे लेकिन जो उनके पास आइडिया था खेलने का, जिस तरह से वो लोगों को अपनी जो क्रिकेट टीम को वो करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मैं कहूं तो उससे बड़ा कोई क्रिकेटर है नहीं। विक्रांत गुप्ता का ये कहना था कि उन्हें रेस्ट दी गई है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। बेसिकली उनको रेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम तो है नहीं है कि थोड़ा सा उनको इंजरी निकला या थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हो जाए, या जैसे वो छोटा बच्चा स्कूल जाता है जी कल आप स्कूल क्यों नहीं आए मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा उनके अंदर है नहीं है जैसा हमारे पाकिस्तान के अंदर है भाई। उनको रेस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, जो बंदा स्टिल खेलते रहता है उनको फील ही नहीं होता कि मैंने रेस्ट करनी है या नहीं करती, क्योंकि जिनको पता है कि मैंने विन करना है और मैंने खेलना है। ये बात तो मेरी समझ से बाहर है कि उनको जो है रिजेक्ट किया है इस वक्त जो आगे मैच हो रहा है वनडे। जी बिल्कुल बात आपकी ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेयर IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेलते, पाकिस्तानी सारी लीगें खेलते हैं, शायद इसलिए जो है पाकिस्तानी बॉलर जो है इंजरी का शिकार हो जाते हैं। इंजरी का शिकार ही, वही बात कर दी ना कि एक बहाना होता है ना, एक सांस चढ़ जाती है या पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हरकतें करते कोई नशा करते हैं जिस वजह से उनको इंजरी हो जाती है या सांस चढ़ जाती है या बेहोश हो जाते हैं, कोई ना कहीं उनके अंदर रीज़न है। और इंडिया की बात की जाए, जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं कि विराट कोहली को एक और क्रिकेटर का आप नाम ले रहे हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया इस वक्त, करना नहीं चाहिए क्योंकि करने से ही बंदा कामयाब होता है, चाहे वो छोटा क्रिकेट क्यों ना, चाहे वो उनका IPL हो या वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो। अच्छा आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप आने से पहले पाकिस्तान जो है एशिया कप में 2 मैच हार गया, उसके बाद सारे लोग जो हैं बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, तो विक्रांत गुप्ता वो मैदान में आ गए, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक किंग है और किंग को ऐसे तनकीद नहीं करना चाहिए, यही बंदा है जो पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 ओडे में लेके आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं अगर बात की जाए तो वो तनकीद करते हैं दूसरे क्रिकेटर पर, लेकिन उनकी बड़ी खुशी हुई है कि वो हमारे बाबर आजम को क्या कहते हैं उसको वो दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा खेले अच्छा करे। हमारे तो भाई पाकिस्तान खुद उसके खिलाफ है, तो भाई वो एक हमारा दुश्मन होकर जिसको मानते हैं वो कर एक अच्छा मशवरा दे रहे, एक अच्छा वो कहते हैं ना कर रहा है मशवरा दे रहा है, तो भाई बड़ी अच्छी बात है। उसका ये भी कहना था कि भारत को वर्ल्ड कप में बाबर आजम टफ टाइम दे सकता है, हो सकता है, मेहनत करे अभी से मेहनत करना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो वो टकराव खेल सकता है, जहाँ पर वो हमारे उसको क्या कहते हैं श्रीलंका को उन्होंने बच्चा समझा, तो इन दिनों में श्रीलंका ने उनको यानी कि छक्के लगा दिए उसके हमारे पाकिस्तान। अच्छा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज हो रही है, आप समझते हैं कौन सी टीम जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या कि इंडिया? यार इंडिया तो मैंने आपको पहले सवाल भी कहता था कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है कि छक्के लगा दिए उसके हमारे पाकिस्तान। अच्छा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज हो रही है, आप समझते हैं कौन सी टीम जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या कि इंडिया? यार इंडिया तो मैंने आपको पहले सवाल भी कहता था कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, तो भाई उनके आगे वो कुछ भी नहीं है, यानी कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, बहुत शुक्रिया, यानी कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, बहुत शुक्रिया।